लारे वली सैयद, पहला इल्जाम आपके ऊपर यह है कि लारे वली सैयद जो है ये पंजाब से माल लेकर आता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यार सबसे इल्जाम एक तरफ कह सकते हैं कि 2 साल पहले तक, ठीक है, और इल्जाम तो नहीं यार, जब तक देखें मैंने थोड़ा सा कराची वालों को रीड करना शुरू करा तो भाई कराची हमारा ना हब है, और मैं अगर कराची को पूरे रन करता हूँ ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब तक कोई काउंटिंग नहीं है मेरे पास, इतने अनगिनत सेटअप लगवाए हुए हैं, सही है, और हमारे कराची के अंदर ना बहुत छोटे छोटे से कोने भी हैं, सयारी भी हो गया, मतलब छोटे ऐसा जो उसको कहने में छोटा नहीं है, वो बहुत बड़े बड़े इलाके, मतलब ऐसे लोग वहाँ पे हैं, हाँ, कि मतलब वो जो के कुछ लोग काम करना चाह रहे थे, सही है, और मैंने इतने सारे पॉइंट्स बना दिए अपने कि मेरे पास बर्ड को जमा करना ना यूं चुटकियों का काम हो गया। अच्छा, अभी आप बैठे बैठे मुझे बोलो ना लारिफ भाई मुझे यहाँ पे आप 100 पीस अल्बाइनो रेड आई दे दें, तो लारिफ भाई सिर्फ 2 से 3 कॉलें करेंगे और आपके टेबल पर रेड आई मौजूद होगा। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा वैसे एक बात बताऊँ मैं आपको, भाइयों वाली, अगर आपकी जगह मैं होता ना तो पता है मैं क्या जवाब देता? बेशक मैं लेता नहीं हूँ वहाँ से, मैं तो ये बोलता भाई मेरी मर्जी, मैं जहाँ से भी लूँ, पाकिस्तान किसी एक के बाप का तो नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा लोगों को दिमाग में थोड़ा सा ये होता है लाहौर का बर्ड या पंजाब का बर्ड आएगा ना तो यहाँ पे आके वो मर जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। बाहर कंट्री, यहाँ पे परिंदा आया कहाँ से? माइग्रेट होके तो नहीं आया ना। सही बात। काकाटू, मकाऊ, ये सब कहाँ से आए थे? बाहर से ही आए। बाहर से ही आए ना, ये तो फिर पंजाब का बर्ड आ रहा है भाई। फॉरेन कंट्रीज से आए ना, अदर कंट्रीज से आए, वो सब यहाँ आके बर्ड चले, ब्रीड करी, यहाँ से फिर बढ़े, तो लोगों की एक तो जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़े से ढीले हो चुके हैं। सही बात। और कुछ लोगों ने ना लारिफ भाई को देखते हुए वो चीजें कॉन्स्पिरेसी बढ़ा दी, जब वो बढ़ाई तो तासुब थोड़ा सा बन जाता है, लारिफ भाई यार इतना बर्ड बेच रहे हैं, लारिफ भाई यार इतना कर रहे हैं, तो वो पंजाब से मंगवा रहे हैं, तो पंजाब के नाम पे खींचते हैं। तो भाई पंजाब वालों को मैंने बहुत सपोर्ट करा, और फिर कराची वालों को जब सपोर्ट करने खड़ा हुआ ना मैं, तो आज भी चैलेंज करता हूँ जिस रेट पे मैं माल बेचूंगा उस रेट पे कोई नहीं दे सकेगा। सही बात। देखिए गाइस, थोड़ा सा जो है ना सोचा करें जहन से, क्या आप लोग घूमने कभी इस्लामाबाद नहीं जाते या कभी मरी नहीं जाएंगे? पूरा पाकिस्तान नेमत है हमारे लिए, ऐसा नहीं होता कि कोई पंजाब से आ रहा है, कराची से आ रहा है, ये सब चीज़ें छोड़ दें, थोड़ा सा बाहर निकलें इन चक्करों से, वरना आपका जो कंट्री है ना वो इसी तरह डिस्टेबलाइज रहेगा। ठीक है, ट्रेनें चलती हैं, कराची से किसने मना किया? लोग जाके पंजाब घूम के आते हैं, खुश होते हैं। आप कभी पंजाब चले मेरे साथ, मैं आपको बताऊँगा, फिर आप देखिएगा कितना मज़ा आता है। प्यार मोहब्बत बांटें, तुम पंजाब से माल लाते हो, तुम कराची से लाते हो, तुम्हारा क्या लेना देना है यार, जहाँ से मर्जी लाए वो भाई। कितनी चीज़ें आती होंगी, सब्जी कहाँ से? पंजाब से आती है, ठीक है, तो इसमें क्या गुनाह है? हम क्या खाना पीना छोड़ दें क्या कि पंजाब का माल है? ऐसे ना किया करें। कराची हो गया, पंजाब हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब हमारा है भाई। लारिब की क्या गलती है? पहली बात तो ये है कि वो कह रहे हैं कि मैं तो लाता ही नहीं हूँ, लेकिन अगर वो ले भी आता तो तुम्हें क्या लेना देना भाई, तुम्हारा क्या बीच में काम है? तो ये चीज़ें जो है ना थोड़ा सा देखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। 2 साल पहले तक मैंने करा है वहाँ से, लेकिन उसके बाद जब मैंने यहाँ पे जब इतने सारे सेटअप दे दिए थे तो फिर, क्योंकि वहाँ की कुछ पार्टीज थी उस वक्त तक, कि मैंने बोला चले यार आपकी जितनी ब्रीड निकले आप वो मुझे दें। सही सही। फिर जब यहाँ मैंने अपने दरख्त की शाखें खोल दी थी तो फिर मैंने बोला जब यहाँ चला दिया तो इंशाल्लाह ताला ये ऐसा पहिया जो कभी नहीं रुकेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा एक और बात पूछूं? हाँ जी बिल्कुल। इतना पैसा कहाँ से लाते हो यार? इतना पैसा कहाँ से लाता हूँ यार? इतना पैसा बस अल्लाह ताला की देन है। माशाल्लाह। और कुछ चीजें ऐसा नहीं है कि बहुत सारा का सारा पैसा मेरा ही हो, क्योंकि बहुत सारी चीजों के अंदर ऐसा होता है। फैमिली सपोर्ट करती है यार, तैयार होते हैं। फैमिली सपोर्ट के अंदर तो नहीं है, दोस्त यार होते हैं, कजन होते हैं। दोस्त यार भी नहीं है। मैं एक और आपको चीज बताता हूँ कि जितना मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो भी करा ना अपना पैसा बनाया सिर्फ इस बर्ड्स की फील्ड से। और एक वाहिद एक दोस्त था मेरा, सॉरी था क्या, अल्लाह ताला उसको अच्छी और उम्र दे, उसने मुझे सपोर्ट करा था उस टाइम पे, तो मेरा हक बनता है आने वाले कभी भी वक्त के अंदर, वो कभी भी मुझसे कोई मेरे लिए कुछ अपने लिए कुछ चीज़ मांगे तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ, क्योंकि उस वक्त उसने मुझे सपोर्ट करा था। सही बात। और मैंने ये काम स्टार्ट करा था कोई 2015 में ना, अगर तो उस वक्त समझ लो मैंने कोई ये 7-8 लाख रुपए से स्टार्ट करा था काम। अच्छा, 2015 की बात बता रहा हूँ। बट यू वर वेरी लकी एट दैट टाइम, यू हैड 7 लाख रुपीज ना। बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नहीं थे, बताया था मैंने, मेरे पास नहीं थे। मेरा वो दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह, यू हैड अ चांस ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझ पे एतमाद करा, भरोसा करा, वहां से अल्लाह ताला ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा। और मैंने बहुत सारे नुकसान उठाए, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन क्या वो नुकसान उठाने के बाद जो ना
कोई और बंदा भी हो ना, वो बोले बस लाओ दो खत्म, मैंने फिनिश, या तो मैं वहाँ खत्म हो जाता या मैं आज किसी भी फर्म में बैठ के कोई जॉब कर रहा होता, सही है, टाइप राइटिंग कर रहा होता या कोई कोडिंग कर रहा होता या कोई सॉफ्टवेयर बना रहा होता, क्योंकि मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो ऐसी बात है, मैंने जॉब छोड़ी, सब कुछ करा। कहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की? भाई मैंने आईयू इकरा यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस से मैंने अपना बैचलर्स, मेरा भाई भी वहीं पर है माशाल्लाह से, और मैंने जॉब करी, अच्छे पैकेजेस के ऊपर जॉब करके छोड़ी है मैंने, माशाल्लाह अच्छे पैकेजेस के ऊपर जॉब करके मैंने छोड़ी है। और बर्ड्स की फील्ड में कितना टाइम हो गया इस फील्ड में? तकरीबन 8 से 9 साल होने को है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह 8 से 9 साल। तो शुरू किससे किया था? बिग पैरट्स, बिग पैरट एग्जॉटिक, वो मेरा लव है, वो हमेशा रहेगा, और मैं हमेशा उसके अंदर बोलता हूँ कि ये वो वाहिद ऐसा शौक है जो आपको कभी नहीं डुबाएगा और ये आपको ही बनाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं बर्ड्स को, ऐसे ऐसे मैंने फील्ड के अंदर लोग देखे जो इन्हीं से बने और इन्हीं को बुरा भला कहते हैं। सही बात, सही है, इनसे ही दूसरी चीज़ों पे कन्वर्ट हो गए, लेकिन मैं नहीं हुआ, क्यों? जाहिर सी बात है, मैंने इस चीज़ से, मुझे अल्लाह ताला ने बनाया है ना, तो मैं उनको हमेशा याद रखता हूँ और रखूँगा, क्योंकि मुझे इन्हीं से इज्जत मिली है सारी, मुझे कोई नहीं जानता था, मुझे इन्हीं बर्ड से ही सारी इज्जत मिली। सही बात, तो बस ये चीज़ है। अच्छा, गुस्सा आता है आपको कभी, नेगेटिव कॉमेंट आ जाए कोई कुछ थोड़ा बहुत? यार मज़े लेता हूँ मैं। अच्छा हाँ, हंसता हूँ, मज़े लेता हूँ, और नेगेटिव कमेंट एक नहीं, 2, 3, 4, 5, 10 सैकड़ों कमेंट्स के ऊपर, और जवाब किसी को नहीं देता। सही बात, क्योंकि दरअसल देखो ताली दोनों हाथों से बजती है, सही है, इधर मैं जवाब दूंगा और उधर वो जवाब दो देगा, तो ये चीज़ जो है ना, वही बात है कि अगर आप कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे तो खुद पे उड़ेंगी, ऐसे ही बस, ये वाली बात है। अच्छा, मैं देखता हूँ अक्सर ना मेरी वीडियो पे कमेंट्स आते हैं, क्या बेकार वीडियो बनाई है, पहले तूने बेकार वीडियो देखी और कहते हैं टाइम वेस्ट कर दिया, क्या बेकार वीडियो बनाई है, टाइम वेस्ट कर दिया। और मैं उनसे ये कहता हूँ, पहले तूने बेकार वीडियो देख के टाइम वेस्ट किया, फिर तूने, तुझे इतनी बेकार लगी कि तूने सोचा और इस पर कमेंट भी करते हैं, फिर तूने बेकार से कमेंट किया, तो इतना टाइम देख नहीं रहा भाई। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है ना। और लोग दरअसल देखें, लोग इस एफर्ट को छोड़ देते हैं कि बंदे ने कितनी मेहनत से सोचा या कुछ भी बनाया, आप लोगों को अपना नॉलेज या जो भी चीज़ आप तक डिलीवर करी, वो तो दो मिनट क्या, कोई 30 सेकंड लगते हैं उसको एक रविश सा कमेंट करने के अंदर। सही, ठीक है, वो ये नहीं सोचता है कि उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट जाएगा दूसरे बंदे पे या उसकी ऑडियंस के ऊपर। यार इससे ना, कमेंट से ना गुर्बत नजर आती है, यकीन करो। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है, जो मैं कहता हूँ कि वो कीबोर्ड वॉरियर्स है, और जो खुद कुछ नहीं कर सकते, वो जो खुद कुछ नहीं कर सकते वो खाली बैठ के कमेंट्स कर सकते हैं, या किसी के ऊपर कोई तनकीद कर सकते हैं, या किसी को देख नहीं सकते कि यार ये कर रहा है तो मैं इसकी बजाता हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, मुझे खुद इतनी जेलिसी फील होती है, प्रोफेशनल जेलिसी, कि यार लारेब को देखो ऐसा नॉन स्टॉप काम कर रहा है, हमारा उस तरह का नहीं है, बट दिस इज प्रोफेशनल, बिल्कुल। लेकिन अगर आपको खींचे हैं कि यार इसको नीचे लाओ, ये तो गलत है ना, ऐसा ही है। और मैंने तकरीबन ना कोई समझ लो अपनी लाइफ में अब तक कोई कमेंट्स डिलीट नहीं करे होंगे ना, तो कोई हार्डली 5-7 कमेंट डिलीट करे होंगे, वो जो कि जिसे कहते हैं ना कि जिसमें ऐसा लगता है कि पानी सर से ऊपर है, जो नामुनासिब है, घर वाले भी पढ़ लेते हैं कभी कभी, ऐसी कोई रबिश सी गालियाँ हों उसमें, जैसा भी कोई ऐसे, हाँ। तो ऐसे वर्ड्स हों जो अच्छे नहीं लगे नामुनासिब से, ठीक है। अबे तो, मैंने शाहरुख खान की पिक्चर खोली, उसमें भी नीचे गालियाँ लिखी हुई बताओ यार, अबे भाई तुम्हारा क्या लेना देना, कराची से लोग गालियाँ लिख के भेज रहे हैं उसको यार, वो कौन सा देखता होगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने अब सिर्फ वो ऐसे कुछ कमेंट्स थे जो कि मैंने डिलीट करे, वरना अदरवाइज मैं किसी के कमेंट्स डिलीट नहीं कर, और मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस आगे देखे, जितने आप लोग नेगेटिव कमेंट्स करोगे उतनी ज्यादा दूसरे बंदे को हाइप मिलती है, रीच बढ़ती है। सही है, और जितनी रीच बढ़ेगी उतनी ज्यादा से ज्यादा हमारी पब्लिसिटी है। बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ एंजॉय करो भाई ये चीज, ये अल्लाह ताला ने वक्त के साथ साथ दी है, और जिस बंदे ने, अल्लाह ताला ने जिस बंदे को इज्जत से नवाजा है ना, जाहिर सी बात है वहाँ थोड़ी बहुत ऐसा थोड़ी है यार कि हर बंदा खींचे ना आप। अच्छा, बकरा ईद, चलो वो फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हाँ, सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।